हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन नेस्टेमो चल। दोस्तों मैं हूं रामकेश सिंह, यूनिटी गेम डेवलपर, यूट्यूबर एंड ब्लॉगर। दोस्तों आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं मल्टीप्लेयर बनाने की सीरीज़ का, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं किस तरह से हम लोग अपने प्लेयर्स को गन दे सकते हैं और हैंड दे सकते हैं। तो बेसिकली इसमें आपको काफ़ी लुक एंड फील आने वाला है किस तरह से हमारा FPS प्लेयर वर्क करने वाला है ग्राउंड पे। दोस्तों मैं बता दूँ ये वीडियो स्पॉन्सर्ड है, स्पॉन्सर्ड करने वाले कंपनी है रेपिडो रिच, और रेपिडो रिच काफ़ी अच्छा SDK प्रोवाइड करती है। जैसे कि पहले हम लोग अपने गेम को मोनेटाइज करने के लिए गूगल एड्स, यूनिटी एड्स, बहुत सारे एड्स वाली SDK यूज करते थे या इन एप परचेज यूज करते थे। तो मोस्टली हम लोग क्या करते थे कि वीडियो रिवॉर्डेड वीडियो प्ले होते थे और उसके बेसिस पे हम रिवॉर्ड देते थे प्लेयर को। बट गाइस, बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स होते हैं जिनको वीडियो देखना पसंद नहीं होता है, तो रेपिडो रिच ने क्या किया, एक ऐसा SDK बनाया है जिसकी मदद से उनके इंटरेस्ट के बेसिस पे, जैसे आप रिवॉर्डेड वीडियो दिखाते थे उसके प्लेस पे आपको क्या करना रहेगा, वहाँ पे एक सर्वे ओपन करना रहेगा, और सर्वे जो होगा वो प्लेयर के इंटरेस्ट के बेसिस पे होगा कि प्लेयर का क्या इंटरेस्ट है, उसके बेसिस पे वहाँ पे बहुत सारे सर्वे होंगे और उसके बेसिस पे वो चूज करके किसी भी सर्वे को कंप्लीट करेगा, या कंप्लीट नहीं करे 10% भी करे या उसे क्लिक भी कर दे तो उसे कुछ ना कुछ पॉइंट्स मिलते हैं जितना भी वो कंप्लीट किया रहेगा, और उस पॉइंट्स के बेसिस पे आप अपने प्लेयर को रिवॉर्ड्स दे सकते या आप उसको परचेज करा सकते, लाइक उसको डायमंड चाहिए, उसको गन चाहिए, या गन को अपडेट करना चाहता है तो सारी चीज़ें करा सकता है। तो जस्ट रेपिडो रिच का जस्ट मैंने लास्ट ट्यूटोरियल किया था और उसमें मैंने आपको बताया था किस तरह से इनका इंटीग्रेट करना है अपने गेम के अंदर, तो उसका भी मैं लिंक ड्रॉप कर दूंगा और इनकी वेबसाइट का भी लिंक ड्रॉप कर दूंगा, आप जरूर जाके चेकआउट करो। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा तरीका है अपने गेम को मोनेटाइज करने का, और एक न्यू वे है, न्यू ईरा आप बोल सकते हो गेम को मोनेटाइज करने का, क्योंकि इसमें यूजर के इंटरेस्ट के बेसिस पे उनको चीज़ें शो होंगी, उनको सर्वे कंप्लीट करने होंगे उनके इंटरेस्ट के बेसिस पे, तो ये काफ़ी बोरिंग नहीं होगा, उनके लिए इंटरेस्टिंग होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल। तो जस्ट इस पार्ट को मस दिस सीरीज़ आई एम डूइंग इन हिंदी लैंग्वेज, उसके बाद जो भी मेरी ट्यूटोरियल्स आएंगे वो इंग्लिश में आएंगे, इवन बीच बीच में मैं ट्यूटोरियल्स इंग्लिश में लाने की कोशिश करूँगा। सो हियर इज़ आवर इन्वायरमेंट, और लास्ट पार्ट में हमने यहाँ पे जनरेट कर लिया था, बट वॉट वी वॉन्ट कि जब भी हमारा प्लेयर यहाँ पे होएगा, तो लेट सपोज वेयर इज़ आवर प्लेयर्स, ओके सॉरी दैट इज नॉट आवर प्लेयर, इन रिसोर्सेज वी हैव प्लेयर्स, ओके। तो जिस तरह से हमारा प्लेयर है यहाँ पे, इसके पास देखो जस्ट हैंड है एंड नो गन है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हमारे पास एक प्लेयर के पास गन हो, तो जस्ट हम लोग क्या करेंगे कि गन वाला पार्ट हमें दिखेगा और नॉर्मल प्लेयर को, तो किस तरह से हम लोग करेंगे वो कुछ सारा कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जस्ट यहाँ पे हम लोग एक गन लेके आएंगे, और गन किस तरह से आएगी वो मैं आपको बता देता हूँ। तो जस्ट वी हैव टू गो ऑन द एसेट स्टोर और यहाँ पे सर्च करना है EGFPS, मे बी यू नो अबाउट दिस एसेट बट इट्स रियली वेरी फैंटास्टिक एसेट, जहाँ से आप अपने गेम के लिए यूज़ कर सकते हो, और बिल्कुल फ्री है, इसमें साउंड्स भी हैं, बहुत सारे एनिमेशंस भी हैं, सो यू गोना लव इट। और गाइस सच में इधर बहुत ठंडी है, मे बी आपके साइड भी काफ़ी ठंडी हो, जस्ट हुडी पहन के मैं ट्यूटोरियल्स कर रहा हूँ अभी, तो इसको मैं और भी एक्सप्लेन करूँगा, जस्ट एक और ट्यूटोरियल इस पे आएगा, बाकी ये भी आज के ट्यूटोरियल में हम लोग जितना यूज़ कर सकते हैं उतना कर रहे हैं, सो जस्ट इम्पोर्ट इट। मैं आपको काफ़ी कुछ मिल जाता है मटेरियल से लेके, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे स्क्रिप्ट, बहुत सारे साउंड्स, जो काफ़ी यूजफुल हो जाता है एक FPS गेम के लिए। आई मेड ए बैकअप, गो हैड, मैंने बनाया नहीं है बट गो हैड, अभी ये इम्पोर्ट हो चुका है, सो लेट्स बैक टू द यूनिटी, और यहाँ पे आ चुका है हमारे पास EGFPS, ओके। EGFPS में काफ़ी कुछ हमें मिलता है, आप एक एक को एक्सप्लोर करना चाहो तो कर सकते हो, इसमें बुलेट मिल जाएगा, मॉडल्स हमें मिल जाएंगे, यहाँ पे कैरेक्टर्स,
तो इनमें से हम लोग जो चाहते हैं उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो इस तरह से हमारा ये हैंड आने वाला है, देखो। ओके, तो इस तरह से चलने वाला है हैंड। और इसको ज़रा साइड में करते हैं तो देखो इसके साथ एक स्वॉर्ड भी है, तो जस्ट उस स्वॉर्ड को हम लोग नहीं चाहते हैं स्वॉर्ड, तो इसको क्लिक करते हैं एंड इसको हमें यूज़ नहीं करना है, तो जस्ट आई एम गोइंग और इसको ऑफ में कर देता हूँ। और बाकी हम लोग इसका यूटिलाइजेशन करने वाले हैं, तो जो भी हमारा ये हैंड होने वाला है, अब नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे किस तरह से इसका यूज हम लोग करने वाले हैं। काफ़ी एनिमेशंस भी यूज होंगे जो आपको बड़ा कूल दिखने वाला है, ठीक है। तो होपफुली ये ट्यूटोरियल आपके लिए काफ़ी यूज़फुल लगा होगा। आपको यहाँ से देख यूज़ करेंगे हम लोग, गोलियाँ भी निकलेंगी, उसके इफ़ेक्ट्स भी दिखेंगे, बहुत कुछ है इस पैकेज में, जिसमें मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ। एक नेक्स्ट ट्यूटोरियल करूँगा जिसमें मैं आपको बहुत कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ किस तरह से वर्क करता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।